हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक संजय वन की है। इस वीडियो के एंड में हम यहां से जुड़ी सच्ची कहानियों के बारे में जानेंगे। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ये बात कुछ 4 साल पुरानी है, जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमना ये हमारे लिए आम था। कभी कभी तो रात के 9 से 10 बजे भी हम घर पहुँचते थे, जिसकी वजह से घर पर डांट पड़ती थी, पर उस समय वही ठीक लगता था। और कुछ दिनों बाद फिर से हमारा देर से आना शुरू हो जाता था। एक दिन मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने संजय वन जाने का प्लान किया। हमने कई बार लोगों से उसके हॉन्टेड होने की बात सुनी थी, पर कभी किसी ने भी पक्का नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा, जिस वजह से हमें उस जगह को घूमने का मन और भी ज़्यादा करने लगा था। हम कॉलेज से कुछ 3 बजे फ्री हुए और हम सीधा संजय वन के लिए निकल गए। हमारे कॉलेज से कुछ 2 या 3 किलोमीटर दूर होगा। हमने 3:30 बजे गेट से एंट्री ली और अंदर देखा तो ये एक जंगल था, जहाँ जानवर और पक्षी थे और एक झील भी थी। एरिया काफ़ी बड़ा भी था और बाहर जाने का टाइम 8 PM था। हमने सबसे लास्ट में निकलने की सोची, क्योंकि अगर यहाँ कुछ हो तो वो इतनी भीड़ में तो हमें नहीं दिखेगा। हम आराम आराम से घूमने लगे। अब 7:30 बज गए थे और अंधेरा भी हो गया था। हम चारों अभी भी धीरे धीरे चल रहे थे कि शायद कहीं कुछ दिख जाए, पर कुछ नहीं हुआ। तभी हम एक चौराहे पर पहुंचे, जो कि आगे चलकर बाहर जाने वाले रास्ते से मिलता था। तो हम चारों ने प्लान किया कि हम इस चौराहे से अलग अलग रास्ता पकड़कर मेन बाहर जाने वाले रास्ते पर मिलेंगे। हम अपने अपने रास्ते चल दिए। कुछ दूर जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं फिर चलने लगा, तभी मुझे झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज़ आई, साथ ही झाड़ियाँ हिल भी रही थी। मैंने पहले सोचा कि कोई जानवर होगा, पर जैसे जैसे मैं चलता वो चीज़ भी वैसे ही चलती। मैं रुकता तो वो चीज़ भी रुक जाती। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ये कोई जानवर नहीं है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे दोस्त होंगे जो मुझे डराना चाहते होंगे। मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके झाड़ियों की तरफ देखा तो वहाँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, और अब उन झाड़ियों से आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। तो मैंने फिर से चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान से देखा तो रास्ते के साइड में एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि भैया मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ और मैं चलते चलते थक भी गया हूँ, मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है। मैंने उस बच्चे से कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, बाहर जाकर तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे। अब वो बच्चा कुछ दूर चलने के बाद फिर से रुक गया। मैं समझ गया कि वो थक गया है। मैंने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और चलने लगा। अब रात के शायद लगभग 9 बज चुके थे। उस जंगल पर मुझे रास्ता मिल ही नहीं रहा था और पूरे जंगल में से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कोई हंस रहा हो और कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। बच्चा डर ना जाए इसलिए मैं उन आवाज़ों को जानवरों और पक्षियों की आवाज़ें बता रहा था, पर डर तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि आवाज़ें बढ़ती जा रही थी और साथ ही हमारे बिल्कुल पास आती जा रही थी। एक दो बार तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल साथ चल रहा हो, पर डर से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं नज़र घुमाकर देख लूं। मैं बच्चे को लिए चलता जा रहा था। मेरे मन में ये बात भी चल रही थी कि ये रास्ता इतना लंबा भी नहीं था कि अभी तक मैं मेन गेट वाले रास्ते पर नहीं पहुँचा। मैंने उस बच्चे को अपनी पीठ से उतारा और फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला तो फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था, लेकिन फ़ोन की लाइट से उस बच्चे के चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा
कि उस बच्चे का चेहरा तो बदल गया है, अब वो बच्चा नहीं था जिसे मैंने कुछ दूरी से अपनी पीठ पर उठाया था। तो मैं समझ गया कि ये कोई मामूली बच्चा तो नहीं है और ना ही ये कोई इंसान है। पर मैं अकेला था और रास्ता समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने उस चीज़ को अपना डर महसूस नहीं होने दिया और उसे फिर से अपनी पीठ पर उठाकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद ही मुझे मेरे दोस्तों की आवाज़ आई, मैं उसी तरफ दौड़ा। उन्होंने मुझे देखा, उनके साथ चौकीदार भी था। हम जल्दी से वहाँ से बाहर निकले और मेरे दोस्तों ने बाहर आकर मुझसे कहा कि तू इतनी देर से ऐसे क्यों चल रहा है जैसे कोई तेरी पीठ पर बैठा हो। मैं उस चीज़ से अभी भी डरा हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि हाँ, ये बच्चा मुझे अंदर मिल गया था। उन्होंने कहा, कौन सा बच्चा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, जब से तू हमें मिला है तब से तू अकेला ही है। अब मैंने ध्यान दिया कि सच में अब मुझे हल्का फील हो रहा है। मैंने अपने दोस्तों को सब बताया पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि वो बच्चा एक बच्चे के रूप में शायद कोई आत्मा थी जो वहाँ से बाहर जाना चाहती हो, वो मेरा मजाक बना रहे थे। पर मेरी पीठ पर अभी भी दर्द हो रहा था जैसे मुझे चोट लगी हो। मैंने मेरे दोस्तों से कहा तो उन्हें लगा शायद मैं अंदर अंधेरे में कहीं गिर गया होऊंगा जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई होगी, इसलिए उन्होंने मेरी पीठ देखने के लिए मेरी टी शर्ट ऊपर की। और जैसे ही उन्होंने मेरी पीठ देखी तो उन तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए, अब वो मेरी हर बात पर विश्वास कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो वो बोले तेरी पीठ पर किसी के बड़े बड़े और लंबे हाथों के निशान हैं। तब मैंने आगे की तरफ भी देखा तो मेरी कमर पर किसी के पैरों के निशान भी थे। जब चौकीदार ने ये सब देखा तो वो बोला शायद वो आत्मा तुमको वहाँ से निकालना चाहती थी, पर आत्माएं खुद भी रास्ता भटकी हुई होती हैं, इसलिए वो बाहर आने में तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही थी, पर उसके साथ होने की वजह से और कोई बुरी आत्मा तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाई। उसके चेहरे बदल देने के बाद भी तुम उसको अपने साथ ले आए, शायद अब वो इस जंगल से बाहर निकल गई होगी और उस आत्मा को यहाँ से छुटकारा भी मिल गया होगा। संजय वन की बात करूँ तो ये जगह साउथ दिल्ली में वसंत कुंज में है, जो कि एक सिटी फॉरेस्ट है। यहाँ आमतौर पर लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने आते हैं। ये 6 से 8 बजे तक खुला रहता है, लेकिन 8 बजे के बाद यहाँ आना बिल्कुल मना है। लोगों की माने तो इसके अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने घूमती रहती है, जिसे कई लोगों ने देखा है, और साथ ही बच्चों के चीखने की आवाज़ें आती हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो, जिसकी वजह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय।